नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल फाइन? ओके, शैल वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक? सो टेक आउट योर पेज नंबर 106। वी विल डू कीपिंग द एयर क्लीन। आज हम क्या करेंगे? वी लर्न द टॉपिक कीपिंग द एयर क्लीन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। कल हमने पढ़ा था ना कि जो स्मोक, धुआं, जो मिट्टी मतलब जो धूल होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और जो जर्म्स होते हैं जब हम कफ और स्नीज करें तब, तो ये तीन जो होते हैं वो हमारे आसपास की एयर को डर्टी बनाते हैं और यानी गंदा बना देते हैं। ब्रीथिंग इन डर्टी एयर मेक्स अस फॉल सिक। और ये तीन जो एयर में है वैसी एयर अगर हम ब्रीथ इन करते हैं तो वी कैन फॉल इल, हम बीमार पड़ जाएंगे। एंड ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ। और इसीलिए हमारे लिए ये जो सारी चीजें हैं, स्मोक, डस्ट और जर्म्स जो एयर में प्रेजेंट है और एयर को डर्टी बना देती है, इसीलिए हमें डिफिकल्टी आएगी टू ब्रीथ। वी नीड क्लीन एयर टू स्टे हेल्दी। यानी कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्लीन एयर चाहिए। वी नीड क्लीन एयर टू स्टे हेल्दी। हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू कीप द एयर क्लीन। यानी यहाँ आपके 106 पेज पे तीन पॉइंट्स दिए हैं जो हम कर सकते हैं टू कीप अवर एयर क्लीन। तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? प्लांट्स क्लीन द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। कल हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं। प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड और फिर वो ऑक्सीजन गिवन आउट करता है, यानी वो एयर में ऑक्सीजन पास आउट करता है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। यानी कि हमें क्या नहीं चाहिए? वी डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन। और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सो प्लांट्स आर हेल्पफुल फॉर अस, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को प्लांट्स रिड्यूस करेंगे यानी कम कर देगा। ठीक है, प्लांट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, समझ में आया? प्लांट्स क्लीन द एयर। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे एयर को क्लीन करते हैं। कैसे? प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और आउट क्या करते हैं? ऑक्सीजन। जैसे कि हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और प्लांट्स उल्टा करता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है और ऑक्सीजन आउट करता है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज दे हेल्प टू
रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा हम प्लांट्स वी विल ग्रो, जितने ज्यादा प्लांट्स हम पौधे हम लगाएंगे उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो इन करेंगे और ऑक्सीजन आउट करेंगे, तो दैट विल नॉट लेट अस टू फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो इसी वजह से हमें ब्रीथ करने में डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस एंड ट्रेन्स और ट्राई टू कारपूल। कारपूल यानी एक अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो खुद की गाड़ियां लेके नहीं जाएंगे, दे विल ट्रैवल इन सिंगल कार और इंस्टेड ऑफ चूजिंग देयर ओन कार टू ट्रैवल। ज्यादा गाड़ियां यानी ज्यादा साइलेंसर्स और ज्यादा साइलेंसर्स यानी पॉल्यूशन। सिंपल लॉजिक, लेट्स गेट इन। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अवर प्राइवेट कार, यानी प्राइवेट कार में ट्रैवल करने के बजाय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए, जैसे कि बसेस, लोकल बसेस जो होती है, ट्रेन जो होती है, कारपूल जो होते हैं। Why? This will ensure that there are fewer vehicles, यानी कम व्हीकल्स होंगे रोड पे। अब यहाँ तो मोरबी में जहां भी देखो गाड़ियां ही गाड़ियां है। Have you seen it? कितने सारे व्हीकल है, नॉट ओनली कार्स, देर आर मेनी स्कूटर्स। घर में 5-6 स्कूटर्स तो होते हैं, जितने आदमी उतने स्कूटर्स और कार्स। Why? Because more the vehicle, more the pollution, और वो गंदा एयर हमारे अंदर जाएगा, will breathe in. So we have to use public transport. Why? Because इसीलिए कम व्हीकल का यूज होगा ऑन द रोड और वो धुआं कम फैलाएगा, यानी दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एयर। कम धुआं होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा और पॉल्यूशन नहीं होगा तो वी विल ब्रीथ फ्रेश एयर एंड क्लीन। वी शुड ऑल्सो वॉक और यूज बाइसिकल्स टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बाजू वाली गली में जाना है तो यू कैन हैव अ वॉक और यूज बाइसिकल इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्कूटर और कार। छोटा डिस्टेंस हो जब ट्रैवल करने के लिए तो वॉक और यूज बाइसिकल्स। शैल आई रिपीट? वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस एंड ट्रेन्स और ट्राई टू कारपूल इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अवर प्राइवेट कार, यानी कि हमारे प्राइवेट कार में ट्रैवलिंग करने के बजाय वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से? बसेस जो होती है, लोकल ट्रेन्स जो होती है और कारपूल जो होती है। व्हाई? दिस विल एंश्योर दैट देयर आर फ्यूअर व्हीकल्स, यानी ये मेक श्योर करेगा कि व्हीकल्स कम होंगे रोड पे और ट्रैफिक भी नहीं होगा। देयर आर मोर एडवांटेजेस, राइट? ट्रैफिक भी कम होगा, रोड पे व्हीकल भी कम होंगे और इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एयर। जो धुआं निकलेगा कार से वो रिड्यूस हो जाएगा। वी शुड ऑल्सो वॉक और यूज बाइसिकल्स टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी हमें बाइसिकल लेना चाहिए या तो वॉक करना चाहिए अगर हमें कम दूरी पे जाना हो तो। ठीक है,
third and the last point, to reduce the amount of smoke in the air, factories must be built away from cities. Yani ki, to reduce the smoke, जो धुआं होता है वो कम करने के लिए फैक्ट्रीज को सिटी के बाहर होना चाहिए. आर यू गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज में मशीन वर्क के वजह से ज्यादा धुआं होगा, इसीलिए उसे आउट ऑफ सिटी होना चाहिए, अवे फ्रॉम सिटीज. द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज should be built in such a way that the smoke is cleaned before it is given out from the chimney. यानी कि factories में जो बड़ी बड़ी चिमनी लगाई होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि धुआं जब बाहर निकले air में तो वो clean होना चाहिए, ना कि उसमें गंदे chemicals, उसका धुआं नहीं होना चाहिए. It should be clean. ये तो मुझे पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, पर दिस टू वी मस्ट फॉलो. ठीक है, वी मस्ट यूज वॉक और बाइसिकल, और वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल. पेज नंबर 107, द क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर फॉल्स वन. द फर्स्ट वन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस. Air is a mixture of gas. What do you think? True or false? Yes, it is true. Why? Because air is a mixture of gases, water vapor, smoke, dust and germs. So we'll write true over here. Second one, we breathe in carbon dioxide. We breathe in carbon dioxide. Are you sure? We breathe in carbon dioxide? No. We breathe oxygen and breathe out carbon dioxide. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. And plants take in carbon dioxide and gives out oxygen. 3. Wet clothes dry when kept outside in the sun. Wet clothes dry when kept outside in the sun. यानि गीले कपड़े जब हम सुखाते हैं outside in the sun, वो dry हो जाते हैं. Is it true or false? Yes, it is true. Why? Because the water in wet clothes become water vapor due to the heat of sun. So, जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो जो पानी का हिस्सा होता है गीले कपड़े में वो water vapor में convert हो जाता है heat of सन के द्वारा, बाय हीट ऑफ सन. फोर्थ वन, स्मोक इज गिवन आउट इनटू द एयर बाय कार्स एंड अदर व्हीकल्स. स्मोक, धुआं जो होता है वो बाहर एयर में गिवन आउट होता है बाय कार्स एंड अदर व्हीकल. दिस इज ट्रू और फॉल्स? धुआं जो कार में से और व्हीकल में से बाहर आता है, यस और नो? ट्रू. वेरी गुड. सो विल राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ एंड लास्ट वन, प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. प्लांट हेल्प्स to reduce the amount of oxygen in the air. Is it true or false? क्या सच में प्लांट
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में यानी कम करने में हेल्पफुल है? यस और नो? नो. व्हाई? फॉर व्हाट रीजन? बिकॉज प्लांट हेल्प अस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं टू मेक देयर फूड और गिव्स आउट ऑक्सीजन. और हम क्या करते हैं? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ऑक्सीजन. सो दिस इज फॉल्स. सो राइट फॉल्स ओवर हियर. प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम करने में हेल्पफुल है ना कि ऑक्सीजन के. वो तो उल्टा हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो अपने फूड को बनाने में ब्रीथ इन करता है. कौन? प्लांट्स. एंड नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक properties of air. Properties of air. On live classes that was conducted on Thursday, हमारे EVS का जब live class था तब मैंने आपको activities दिखाई थी. उसमें से तीन activities जो है वो अभी आपको याद करनी है. ठीक है? Properties of air. Air is colorless, odorless and tasteless. I repeat, air is colorless, odorless and tasteless. यानी air जो है उसमें कोई color नहीं होता, air जो है उसमें कोई specific smell नहीं होती और air में कोई taste नहीं होता. Let us learn about मोर अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. तो एयर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? एयर इज कलरलेस यानी एयर में कलर नहीं है. एयर इज ऑडलेस यानी एयर में कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है. एयर इज टेस्टलेस यानी एयर जो है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? एयर जो है वो कलरलेस है, ऑडलेस है, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. और दूसरी जो है वो है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गिव्स शेप टू थिंग्स. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी एयर जो है वो कोई भी वस्तु में स्पेस यानी जगह रोकता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एंड इट गिव्स शेप टू द थिंग्स यानी कोई भी चीज को आकार देता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, एयर फिल अप स्पेस यानी एयर जो है वो स्पेस जगह फिल अप करता है. Things change shape when air is blown into them. यानी कि जो वस्तुएं होती है वो अपना शेप चेंज कर देती है जब हम इसमें एयर ब्लो करें. तब आपने बलून देखा था, मैंने दिखाया था आपको, जैसे हमें मार्केट से मिलता है वो ऐसे दिखता है. फिर when we blow air in it यानी जब हम इसमें एयर फिल अप करते हैं तो वो उसका शेप चेंज कर देता है. यू मे हैव सीन हाउ अ बलून बिकम्स लार्जर एंड चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू ब्लो एयर इनटू इट. यानी आपने बलून को देखा ही होगा कि आप जब बलून में एयर ब्लो करो तो वो एकदम लार्ज हो जाता है और उसका शेप चेंज कर देता है. कब? जब हम इसमें एयर फिल अप करें
tub. Other things such as footballs, swimming tubes, tire tubes and air pillows also change shape when they are filled with air. यानी कि दूसरी चीजें जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल हैव यू सीन, फिर इसमें जब एयर फिलअप करें इट विल चेंज इट्स शेप एंड एयर विल ऑक्यूपाई स्पेस. स्विमिंग ट्यूब्स जो हम स्विमिंग के टाइम यूज करते हैं, द ट्यूब्स यू नो, ओके, स्विमिंग ट्यूब्स, फिर टायर ट्यूब्स जो हमारे व्हीकल्स में होते हैं, टायर ट्यूब्स एंड एयर पिलोज. एयर पिलोज हम मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं. दैट इज जो एकदम पतला सा, मतलब ऐसा ही आता है, मतलब इट कम्स इन अ फ्लैट, पर जब हम उसमें एयर ब्लो करें तो वो पिलो जैसा हो जाता है एंड वी कैन यूज इट फॉर स्लीपिंग. एयर पिलोज ऑल्सो चेंज शेप व्हेन दे आर फिल्ड विथ एयर. यानी जब ये सारी चीज में भी हम एयर फिलअप करें तो वो अपना शेप चेंज कर देती है. ठीक है, अगेन रिपीटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. यानी एयर जो है वो उसमें कोई कलर नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है और एयर जो है उसमें कोई टेस्ट नहीं है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज. द सेकेंड वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. यानी एयर जो है वो जगह लेता है एंड इट गिव्स शेप टू द थिंग्स. यानी जब हम ये बलून ले मार्केट से, देन जब हम इसमें एयर ब्लो करें तो इसके अंदर जो है एयर जगह लेगा और ये जो ऐसा बलून है वो ऐसा, मतलब वो लार्जर हो जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा. इजी इनफ, एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड गिव्स शेप टू द थिंग्स. ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑन पेज नंबर 108. ओके, बिफोर दिस वन एक्टिविटी हैज बीन गिवन ओवर हियर ऑन पेज नंबर 108. द एक्टिविटी इज To prove that air occupies space. To prove that air occupies space. What you need? यानी कि आपको क्या चाहिए? एक बलून. What you do? यानी आपको क्या करना है? एक बलून लेना है, फिर उसमें एयर ब्लो करनी है और देखना है कि क्या होता है. Take the balloon and blow air into it. What happens to the balloon? Does it grow in size? Yes or no? Yes. Balloon को आपको देखना है कि वो जैसे जैसे आप उसमें air blow करेंगे तो उसका shape change हो जाता है और वो large हो जाता है in size. What you find? यानी आपको क्या मिलेगा? The balloon becomes bigger and changes its शेप. यानी जो बलून है वो बिग हो जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा. दिस हैपन्स बिकॉज एयर फिल अप द स्पेस इनसाइड द बलून. यानी ये क्यों हुआ? क्योंकि बलून के अंदर की जो स्पेस है, जो बलून के अंदर की जगह है, वो एयर ने फिल अप कर दी. दिस शोज दैट एयर फिल्स अप स्पेस एंड गिव्स शेप टू द थिंग्स. याद है आपको वो लाइव क्लासेस में हमने ग्लव्स वाली एक्टिविटी की थी? यू नो, जैसे मैं बॉटल अंदर कर रही थी तो ग्लव्स एकदम फुल रहा था. यस, एग्जैक्टली दैट इज द एक्टिविटी की एयर ऑक्यूपाई स्पेस. यानी एयर जो है वो जगह लेता है और वो शेप चेंज कर देता है थिंग्स का. द थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट. एयर हैज वेट यानी एयर में वेट होता है.
सच में? यस, होता है. एयर हैज वेट, वी कैन नॉट सी एयर, यानी हमें एयर दिखाई नहीं देती. बट इट हैज वेट, पर उसमें वजन होता है. अ बलून विच इज फिल्ड विद एयर विल बी हैवियर देन अ बलून विच हैज नॉट बीन फिल्ड विद एयर, यानी कि जो बलून जिसमें एयर फिलअप हुई है वो ज्यादा वजन का होगा किसे कंपेयरिंग टू द बलून विच इज नॉट फिल्ड विद एयर, यानी जो ये बलून है इससे ज्यादा वेट इसमें होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये बलून में कम वेट होगा जब हम इसमें एयर ब्लो करें, तो ये वाले बलून में वेट ज्यादा होगा. वन मोर एक्टिविटी मैंने दिखाई थी. आई टुक अ स्टिक, फिर मैंने स्टिक के बीच में एक थ्रेड लगाई थी, फिर स्टिक के दोनों साइड मैंने बलून लगाए थे, फिर मैंने एक बलून को पिन अप कर दिया था, यानी एक बलून को मैंने फोड़ दिया था. तो क्या हुआ था तब लाइव क्लास में, कि दूसरा वाला बलून जो था वो नीचे की तरफ हो गया और जो बलून फूट गया था उस साइड की स्टिक अप हो गई, यानी जो बलून फूला हुआ था उसमें अभी भी एयर थी. तो एयर थी मतलब उसमें वेट था, तभी जिस जो बलून मैंने फोड़ दिया वो वाली साइड स्टिक की अप हो गई और जो जिस साइड में बलून था वो डाउन हो गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड. नाउ लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड्स गेट इट राइट बॉक्स. गेट इट राइट, वी मे फील दैट द एयर इज नॉट मूविंग व्हेन देयर इज नो विंड, यानी कि हमें ऐसा लगता होगा कि जब विंड नहीं है तब एयर नहीं है, पर ऐसा रियल में नहीं होता. एयर जो है वो अपना मूवमेंट हर टाइम करती रहती है. However, it is not so. Air keeps moving all the time. यानी कि एयर जो है वो हर टाइम मूव करती रहती है. ऐसा नहीं है कि जब विंड नहीं है तब एयर भी मूव नहीं कर रही. ओके, सो दिस इज इट फॉर द डे. आज हमने क्या पढ़ा? कीपिंग द एयर क्लीन. उसमें कौन से पॉइंट थे? 3 points. विच वे दे? पहला था टू प्लांट मोर ट्रीज, दूसरा था टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन वॉज फैक्ट्रीज शुड बी बिल्ड अवे फ्रॉम द सिटी, और जो फैक्ट्री में चिमनी होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो एयर को, जो स्मोक को, जो धुएं को क्लीन अप करके बाहर निकाले. फिर हमने 3 प्रॉपर्टीज की एयर की. जो पहली थी वो क्या थी? एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. दूसरी थी वो क्या थी? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गिव्स शेप टू द थिंग्स. जो थर्ड वन है वो क्या है? एयर हैज वेट. दिस इज इट फॉर द डे. टेक केयर एंड डू रिवाइज द टॉपिक्स. हम कल करेंगे विंड एंड स्टोन. और गेट रेडी विथ योर डाउट्स ऑन लाइव क्लासेस. ये चैप्टर रिवाइज करते रहना, इट इज सो इजी. एयर इज वेरी बेसिक थिंग्स एंड वेरी नेसेसरी थिंग ऑफ आवर लाइफ. वी कैन नॉट लीव विथआउट एयर. और अगर कोई भी डाउट हो ये टॉपिक में, देन डू आस्क विथआउट एनी फियर. ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.